दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की मोस्ट स्टाइलिश मोटरसाइकिल्स के बारे में, जो है दोस्तों क्लासिक 350 और मेटियोर 350। दोनों में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं और काफ़ी सारे चेंजेस हैं। वो क्या चेंजेस हैं इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोनों के प्राइजेस, दोनों के वेरियंट्स, कलर्स और क्या क्या प्राइस का डिफरेंस है। और दोस्तों, आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए मैं सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम है संदीप कैंत, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी राइडिंग व्हील्स। जो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो। तो दोस्तों, दोनों ही मोटरसाइकिल यहां पे मेरे पास खड़े हैं। यहां पे क्लासिक 350 का डार्क स्टिल्थ ब्लैक खड़ा है और यहां पे मेरे पास फायर बॉल मैट ग्रीन कलर खड़ा है दोस्तों, जो कि मेटियोर 350 का बेस वेरिएंट है और ये टॉप एंड वेरिएंट है अगर मैं बात करूं क्लासिक 350 की। तो अगर सबसे पहले मैं प्राइसिंग की बात करूं, तो जो फायरबॉल मैट ग्रीन है इसका एक्सशोरूम प्राइस है 204,408 रुपये और ऑन रोड पड़ता है 236,100 रुपये दोस्तों। और स्टिल्थ ब्लैक का एक्सशोरूम प्राइस है 220,991 रुपीज़, मतलब 220,991 रुपये और ऑन रोड पड़ता है 254,300 रुपये दोस्तों। और इसका जो सबसे बेस वेरिएंट है जो है रेडिच सिंगल चैनल ABS, उसका एक्सशोरूम प्राइस है 193,080 रुपये और ऑन रोड पड़ता है 223,700 रुपये दोस्तों। और अगर मैं बात करूं दोनों में वेरिएंट्स की, तो मेटियोर 350 के अंदर आपको टोटल तीन वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फायरबॉल है, एक आता है दोस्तों स्टेलर, फिर आता है दोस्तों सुपरनोवा। और तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको तकरीबन 10 कलर मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्लासिक 350 की, तो इसमें आपको टोटल 5 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले रेडी सीरीज़ मिल जाती है। रेडी सीरीज़ में आपको 2 कलर देखने को मिलेंगे। और अगर बात करूँ उसके बाद हेल्सियन की, तो हेल्सियन में भी आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा और डबल चैनल ABS मिलेगा। उसके बाद आ जाता है दोस्तों सिग्नल्स के अंदर आपको 2 कलर मिल जाते हैं और वो भी आपको स्पोक व्हील के अंदर मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है डार्क के अंदर आपको डार्क स्टिल्थ ब्लैक और गन मेटल ग्रे मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है दोस्तों क्रोम के अंदर भी आपको 2 कलर देखने को मिलते हैं। और क्लासिक 350 के अंदर इकलौता मॉडल है डार्क स्टिल्थ ब्लैक और डार्क गन मेटल ग्रे, जिसके अंदर आपको अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। बाकी सभी बाइक के अंदर आपको स्पोक व्हील देखने को मिलते हैं। हालांकि जो मेटियोर 350 है, आपको तीनों वेरिएंट्स के अंदर अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर्स के अंदर देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं यहां पे फीचर्स की, तो फीचर्स काफ़ी सारे सेम रहने वाले हैं। सबसे पहले हम जो सेम फीचर्स है उसकी बात करते हैं। यहां पे अगर मैं इंजन की बात करूं, तो दोनों में आपको सेम ही इंजन मिलने वाला है। यहां पे J1 सीरीज़ का ऑल न्यू इंजन आपको मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको ऑल न्यू J1 सीरीज़ का इंजन मिल जाता है। सबसे पहले जो J1 सीरीज़ है, ये मेटियोर 350 के अंदर लॉन्च हुई थी, उसके बाद स्टेल्थ यहाँ पे क्लासिक 350 के अंदर भी लॉन्च कर दी थी। 5 स्पीड गियर बॉक्स के अंदर बाइक मिलती है। इसकी जो BHP है दोस्तों, वो 20.2 की है, 27 न्यूटन मीटर की इसकी टॉर्क है। EFI इंजन है, एयर और ऑयल कूल्ड। और आप देख सकते हो एग्जॉस्ट नोड का थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे रहेगा, क्योंकि इसके एग्जॉस्ट नोड जो है, ये थोड़ा सा फर्क है, आप देख सकते हो डिजाइन में भी फर्क है। यहाँ पे जो एग्जॉस्ट नोट है, इसके डिजाइन में भी फर्क है। पहले मैं एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ आपको कि एग्जॉस्ट नोट में क्या फर्क रहने वाला है। ये देखिए दोस्तों, ये है क्लासिक 350 का एग्जॉस्ट नोट और मेटियोर 350 का एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुना देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा फर्क लगेगा आपको दोस्तों, बिकॉज एग्जॉस्ट में फर्क है, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टायर्स की, तो यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं तीनों बाइक के अंदर। जो मेटियोर 350 है, इसमें आपको, आप देख सकते हो स्पोक व्हील आपको इसके अंदर नहीं मिलते, अलॉय व्हील मिलते हैं, ब्लैक कलर के अंदर अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉय व्हील का डिजाइन काफी न्यू डिजाइन है और ड्यूल चैनल ABS में बाइक आपको मिलेगी। वाइब्री के आपको इसके अंदर कैलिपर मिलेंगे। 300mm की आपको फ्रंट वाली बड़ी ब्रेक देखने को मिलेगी और 190 का फ्रंट वाला टायर मिलेगा, 19 इंचेस का ट्यूबलेस। और यहाँ पे क्लासिक के अंदर अगर आप डार्क सीरीज लोगे, तो आपको अलॉय व्हील मिलेंगे, स्ट्रेट वाले अलॉय मिलेंगे। यहाँ पे देखिए आप, थोड़े डिफरेंट अलॉय, यहाँ पे डिफरेंट अलॉय। ब्रेक आपको सेम मिलेगी, 300mm की फ्रंट वाली, वाइब्री के कैलिपर मिल जाएंगे। टायर भी आपको सेम मिलने वाला है, 190 का, 19 इंचेस का ट्यूबलेस। सस्पेंशन आपको सेम मिलेंगे,
टेलीस्कोपी, लेकिन डिजाइन में काफी फर्क है, आप देख सकते हो यार काफी चेंजेस हैं। और रिफ्लेक्टर आपको दोनों बाइक के अंदर मिलेंगे। यहाँ पे जो क्लासिक 350 है इसमें आपको फुल मेटल का मडगार्ड मिलने वाला है, और मिटेर के अंदर आपको प्लास्टिक का मिलने वाला है। मिटेर के अंदर आपको हेडलाइट हेलोजन बल्ब टाइप और एलईडी के अंदर मिलने वाली है। हेलोजन बल्ब टाइप आपको इसकी ये लाइट मिल जाएगी, और रिंग आपको एलईडी के अंदर मिलने वाला है। क्लासिक के अंदर आपको सिर्फ हेलोजन बल्ब टाइप हेडलाइट मिलेगी, इसके ऊपर कैप मिल जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो स्पोक व्हील होंगे दोस्तों वो आपको क्रोम के अंदर मिलेंगे, ब्लैक कलर के अंदर मिलेंगे। जितने भी बाकी बाइक्स होंगे सभी में आपको स्पोक ही मिलने वाले हैं क्लासिक 350 के अंदर, और उसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलेंगे, उसमें आपको ट्यूब टैप टायर ही मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पायलट लैंप मिल जाते हैं बल्ब टाइप, यहाँ पे आपको ये प्लेन मिलने वाला है, हालांकि जो सुपरनोवा होगा उसमें आपको विंडशील्ड लगी हुई मिल जाएगी। इंडिकेटर आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलने वाले हैं, यहाँ पे ऑरेंज कलर के ग्लास के साथ बल्ब टाइप इंडिकेटर। मिरर भी आपको बाइक के साथ सेम मिलेंगे, फ्याम के मिरर मिलेंगे मेटल के। हैंडल बार की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का हैंडल बार मिलेगा, और बाकी जितनी भी बाइक्स होंगी सिर्फ सिग्नल और डार्क सीरीज को छोड़ के सभी में आपको क्रोम का हैंडल बार मिलने वाला है। यहाँ पे भी आपको ब्लैक कलर का मिलेगा, बाकी जो दोनों मॉडल हैं स्टेलर और सुपरनोवा उसमें आपको क्रोम का मिलने वाला है। रोटेटरी स्विचेस मिलेंगे, दोनों में स्विचेस आपको सेम मिलने वाले हैं, जैसे कि हॉर्न का स्विच मिल जाता है, हाई बीम लो बीम यहाँ पे पास का, और इंडिकेटर का आई बटन, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट मिल रहा है फोन वगैरह चार्ज करने के लिए, और हजार्ड का स्विच और इंजन किल का इंजन स्टार्ट का बटन मिलेगा। यहाँ पे भी आपको सेम मिलने वाले हैं फीचर्स, कोई फर्क नहीं है। अगर मैं मीटर की बात करूँ तो यहाँ पे काफी चेंजेस है, जैसे कि इसमें आपको डीजी एनालॉग मीटर मिलने वाला है जिसमें आपको 160 तक की स्पीड मिल रही है। यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन, टाइम, इको मोड, गियर इंडिकेशन, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ मिल रहा है, और सर्विस का साइन भी दिखा देगा अगर बाइक की सर्विस होने वाली होगी तो। नीचे आपको रिजर्व इंडिकेशन, बैटरी, न्यूट्रल, एबीएस और इंजन मैल फंक्शन की इंडिकेशन भी यहाँ पे शो हो जाएगी। काफी स्टाइलिश मीटर है। और अगर मैं यहाँ पे क्लासिक की बात करूँ तो इसमें भी आपको डिजी एनालॉग मीटर मिलता है, लेकिन ये थोड़ी रेट्रो स्टाइलिंग के अंदर आपको मिल रहा है, जिसमें आपको ऊपर वाले हिस्से में 160 तक की स्पीड मिल रही है, न्यूट्रल, इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम, बैटरी, एबीएस, इंजन मैल फंक्शन और रिजर्व की इंडिकेशन मिलेगी। और डिजिटल मीटर के अंदर आपको कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये काफी है, इनफ है। जैसे कि यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन मिल रही है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ मिल रहा है, और इको मोड मिल रहा है, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं मिल रहा। और ये वाला जो स्लॉट है इसमें आप नेविगेशन लगवा सकते हो ऑनलाइन MIY ऐप के थ्रू, 5000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, और सेम आप इसमें भी नेविगेशन लगवा सकते हो स्टेलर में और फायरबॉल में। और जो दोस्तों सुपरनोवा होगा उसमें आपको इन बिल्ड ट्रिपल नेविगेशन लग के आएगा। फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे जो मिटेर 350 है इसमें 15 लीटर का मिलने वाला है, और काफ़ी स्टाइलिश फ्यूल टैंक है, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल रही है, ऊपर वाला कैप काफ़ी बढ़िया मिल रहा है राउंड शेप के अंदर, और हर फ्यूल टैंक के ऊपर अभी आपको पेट्रोल अप टू E20 वाला स्टिकर मिलेगा, मतलब 20% इथेनॉल वाला फ्यूल आप इसके अंदर डलवा सकते हो। यहाँ पे क्लासिक के अंदर आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, और काफ़ी अच्छा फ्यूल टैंक है, थाई पैड मिल रहे हैं यहाँ पे, और 3D के अंदर लोगो मिल रहे हैं। इसका जो कैप है ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ भी आपको इथेनॉल 20 वाला स्टिकर जो है वो मिलेगा दोस्तों। की आपको दोनों में सेम मिलने वाली है, कोई फर्क नहीं है, आप देख सकते हो। दोनों ही बाइक में एक और सिमिलरिटीज है, जैसे कि ये भी आपको बाइक स्प्लिट सीट के अंदर मिलती है, ये भी आपको स्प्लिट सीट के अंदर मिलती है, लेकिन जो क्लासिक 350 की सीट है ये आप रिमूव कर सकते हो, इसको सिंगल सीट कर सकते हो, ये आप नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपको काफ़ी स्टाइलिश गैबरेल मिलने वाली है, और जो स्टेलर होगा और सुपरनोवा होगा उसमें आपको पीछे बैकरेस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको छोटी सी बैकरेस्ट के साथ इसकी गैबरेल मिल रही है, इसमें भी आप बैकरेस्ट लगवा सकते हो लेकिन एक्स्ट्रा पेमेंट पे करते हो। रेयर मडगार्ड आपको दोनों में मेटल का मिलने वाला है, आप देख सकते हो। मिटेर 350 के अंदर आपको जो रेयर टेल लाइट है आपको एलईडी के अंदर मिलने वाली है, और ऐसा कुछ लुक मिलने वाला है। क्लासिक के अंदर आपको बल्ब टाइप ही जो टेल लाइट है वो मिलेगी। सिक्स वे एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको रेयर वाले क्लासिक में मिलेंगे, और सेम आपको यहाँ पे मिटेर 350 के अंदर मिलेंगे, हालांकि डिजाइन में थोड़ा सा फर्क है। अगर मैं रेयर ब्रेक की बात करूँ तो दोनों में आपको 270 mm की रेयर ब्रेक मिलेगी, जो कि ड्यूल चैनल ABS वाले मॉडल होंगे,
यहाँ पे भी आपको सेम मिलने वाली है, लेकिन टायर में डिफरेंस है। आप देख सकते हो इसमें आपको 140/70 का 17 इंच का टायर मिलने वाला है मिट्रो 350 के अंदर, जो कि काफ़ी चौड़ा टायर है। अगर मैं क्लासिक की बात करूँ तो इसमें आपको 120/80 का टायर दोस्तों मिलेगा, जो कि 18 इंच का है। फ्रंट वाला 19, रेयर वाला 18, इसमें फ्रंट वाला 19, रेयर वाला 17 इंच। और फुटपैग्स आपको देखिए सेम मिलने वाले हैं, कोई फर्क नहीं है। साड़ी गार्ड आपको दोनों में सेम मिलेगा, लेडीज के पैर रखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में कोई फर्क नहीं है। साइड बॉक्स मिटेओ 350 के अंदर आपको प्लास्टिक का मिलेगा, क्लासिक के अंदर आपको मेटल का मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने देख लिया इंजन का एग्जॉस्ट नोट सुन लिया और दोनों में डिफरेंस देख लिया कितना है। आप देख सकते हो यार दोनों बाइक अपनी अपनी जगह बहुत ही ज़बरदस्त है। प्राइजिंग मैंने आपको बता दिए, और प्राइजिंग में अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी और इसकी, तो काफ़ी डिफरेंस है। फीचर्स आपको वैसे ज़्यादा आपको मिट्रो 350 के अंदर मिल रहे हैं, लेकिन प्राइजिंग के मामले में तकरीबन 20,000 रुपये आपको जो ये वाला वर्जन है आपको ज़्यादा मिलेगा। ये आपको 20,000 रुपये सस्ता मिलेगा, लेकिन इसमें आपको मेटल बॉडी, फुल मेटल बॉडी आपको इस बाइक के अंदर मिल रही है। इसमें कुछ पार्ट आपको प्लास्टिक के मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं को आपको कौन सा लेना चाहिए, अगर आप लोकल सिटी राइड करते हो या आपको एक रेट्रो न्यू स्टाइलिंग में बाइक चाहिए, तो मैं आपको क्लासिक 350 प्रेफर करूंगा। बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, मतलब 5'10" से ऊपर है, तो क्लासिक 350 आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। अगर आपकी हाइट 5'4" से 5'10" है या उससे ज़्यादा है वो चलेगा, 5'4" से स्टार्ट है तो आपके लिए मिट्योर 350 जो है वो बेस्ट रहेगा, बिकॉज इसमें हाइट कम है, सीट हाइट कम है दोस्तों। और आप लोकल भी चलाते हो, टूरिंग भी करते हो, ज़्यादा टूरिंग करते हो, तो ये बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। हालांकि क्लासिक 350 को भी लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं जब राइड करते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए। मेरी चॉइस पर्सनली क्लासिक 350 है। उसका रीज़न है M6.1, तो मेरे लिए क्लासिक बहुत बेस्ट है। हालांकि मैंने मिट्रो 350 भी चलाया हुआ है, राइड की हुई है, बहुत ही स्मूथ बाइक है। दोनों का इंजन सेम है, बाइक बहुत अच्छी चलती हैं, दोनों जम के चलती हैं। और अब मैं बात करूं दोस्तों दोनों में यहां पे ऑफर्स की, तो दोनों के साथ आपको एक एक हेलमेट फ्री मिल रहा है, 1 साल का रोड साइड असिस्टेंस मिल रहा है, 3 साल 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है, और 4 सर्विसेज की लेबर आपको साथ में फ्री मिल रही है, और काफ़ी सारी एक्सेसरीज जो हैं दोस्तों कंपनी प्रोवाइड करा रही है। एक्स्ट्रा में आप लगवा सकते हो, जैसे कि इस बाइक के साथ यहाँ पे इंजन गार्ड लगा, जिसको लेग गार्ड बोल देते हैं, नीचे सम गार्ड लगा, फिर आप LED इंडिकेटर्स लगवा सकते हो, यहाँ पे बार एंड मिरर लगवा सकते हो, टूरिंग सीट्स लगवा सकते हो, बहुत सारी ढेर सारी एक्सेसरीज है आप लगवा सकते हो दोस्तों। और दोस्तों बहुत ही मिनिमम डाउन पेमेंट देके आप बाइक को ले सकते हो, और अगर आपको डाउन पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं नीचे डीलरशिप के नंबर शेयर कर दूंगा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ अष्टावक्रा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि लुधियाना में है। यहाँ पे आप बात कर सकते हो, अदरवाइज आप नियर बाय डीलरशिप से बात कर सकते हो, जिस किसी भी सिटी से आप ये वीडियो देख रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।